भरनी। इस कहावत को ये चरितार्थ किया है छतरपुर की पुलिस ने, जिस जिन उपद्रवियों द्वारा सिटी कोतवाली थाना पर कल पथराव किया गया था, उसके बाद इस घटना में 3 पुलिसकर्मी यानी टीआई सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अपराधियों को सबक सिखाने के लिए या जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर जो भी उपद्रवी थे, जो भी अपराधी प्रवृत्ति के जो भी लोग थे जिनके द्वारा साहस किया गया था, कानून को हाथ में लेकर कोतवाली पर जमकर पथराव किया गया था, उसके बाद तत्काल जिला प्रशासन एक्शन में है। जेसीबी मशीनों को बुलाया गया था। शहजाद हाजी जो पूर्व सदर है, उनके मकान को जमींदोज करने के लिए, चूंकि वह भी मुलजिम है, इस पूरे प्रकरण में 46 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं 150 से अधिक लोगों को जो अज्ञात है उनके खिलाफ FIR की गई है। FIR जो है कुल मिलाकर 16 जो संगीन धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता की, उनके अंतर्गत यहां पर की गई है। और पुलिस यहां पर बिल्कुल एक्शन मूड में है। जब चूंकि कोठी जो है आलीशान है और बहुमंजिला है, जेसीबी मशीनें तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो बिल्कुल तो कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण ढाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। रतलाम में भतीजे के साथ चाची की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के वीडियो में महिला एक 13 साल की लड़की की निर्ममता से पिटाई करती दिख रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के मां का तलाक हो चुका है और वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। घर में लड़की के साथ उसके चाचा चाची भी रहते हैं। अब पीड़िता के नाना ने शिकायत की है और चाइल्डलाइन की टीम आज लड़की का रेस्क्यू करेगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल तो चाची बेरहमी से 13 साल की लड़की को पीटती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो जब सामने आया, इस वीडियो के बाद अब इस बच्ची के रेस्क्यू की तैयारी भी है। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित बच्ची है उसकी मां का तलाक हो चुका है और वो अपने दादा दादी के साथ रहती है, चाचा चाची भी साथ में ही रहते हैं। तो हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है और अब शिकायत के बाद चाइल्डलाइन की टीम आज लड़की का रेस्क्यू करेगी। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में गोलीकांड का CCTV सामने आया है। पुरानी रंजिश में फायरिंग का ये CCTV सामने आया है। गंभीर हालत में युवक का इलाज भी चल रहा है। मुरार थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई थी। अब ये वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि रंजिश में ये वारदात अंजाम दी गई थी, फायरिंग की गई थी और इसमें एक शख्स घायल भी हुआ था और गंभीर हालत में युवक का अभी इलाज भी चल रहा है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये CCTV फुटेज अब जाकर सामने आया है गोलीकांड का और इस गोलीकांड के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। गोलीकांड का एक शख्स भी इसमें जख्मी हुआ था, घायल हुआ था, जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में, गंभीर हालत में, गंभीर अवस्था में। और कुछ चेहरे भी इसमें नजर आ रहे हैं। मुरार थाना क्षेत्र का ये घटनाक्रम था, वारदात थी, आपसी रंजिश इसके पीछे वजह बताई जा रही है। कुछ युवक आते हैं, बाइक से वारदात को अंजाम देते हैं और फिर आप देखिए, आप 3 युवक बाइक से जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मारपीट भी हुई थी, गोली भी चली थी, एक शख्स इसमें घायल भी हुआ था। तो एक शख्स कट्टा लोड करते हुए और फायर करते हुए भी नजर आ रहा है। न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब ये फुटेज सामने आ गया है, पहचान हुई है इनकी और एक्शन हुआ कोई अभी तक? बिल्कुल, देखिए कल शाम का पूरा वाकया है ये। ग्वालियर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के जड़ेरुआ रोड इलाके की घटना थी, जिसमें नीरज जाट नाम का जो युवक है उसको गोली मारी गई थी। इसको गोली मारने वाले शख्स में जिनका नाम आया था उनमें अनूप और शेंकी राणा, 2 प्रमुख नाम थे। लेकिन इसमें जो CCTV फुटेज सामने आया है घटना का, उस CCTV फुटेज में कुछ और भी लोग भी दिख रहे हैं। तो इसमें पुलिस को आशंका है कि दोनों तरफ से एक तरह गैंगवार की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं इन घटनाओं के पीछे।
हालांकि प्रारंभिक तौर पर कल ये बताया गया था कि जो घायल हुआ है नीरज जाट और जो आरोपी है शेंगी और अनु, इनके बीच मामूली गाली गलौज को लेकर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी में बातचीत करने के लिए एक दूसरे को बुलाया गया था और इसी बातचीत के दौरान ही इस तरह की घटना सामने आई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक तरह से पुलिस इसको गेंगवार से भी जोड़कर देख रही है, इसी की आशंका है। अब जो आरोपी है उनकी तलाश में पुलिस जुट गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आया उससे ये घटना की तस्दीक हो गई है और कुछ और भी इसमें चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, उनके बारे में पुलिस पूछताछ करेगी जब मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल में कांग्रेस का हल्ला बोल, जहां ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, पटवारी और उमंग सिंघार, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार समेत दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं ईडी दफ्तर के बाहर, तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है ईडी दफ्तर के बाहर, कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता विपक्ष उमंग सिंघार समेत तमाम दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आज क्या प्रमुख मुद्दे हैं आज इस प्रदर्शन के कांग्रेस के? कांग्रेस जो है प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर रही है, अभी इस वक्त मैं व्यापम चौराहे पर मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए और यहाँ पर पहले एक जनसभा आयोजित की जा रही है, जनसभा के बाद यहाँ से पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और वहाँ पर जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से तमाम जो पक्षपात पूर्ण तरीके से जो ईडी की कार्रवाई, उसका आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है कि पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है और सेबी में जो अनियमितता है उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है। और आज तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वह पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात हो, उमंग सिंघार हो, या मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह सहित जो है तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए। सभी विधायकों को इसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए थे, प्रदेश भर से जिला अध्यक्ष और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए, तो बड़ी संख्या में यह कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए और अब से कुछ देर बाद वो यहां से ईडी दफ्तर की तरफ कूच करने वाले हैं। और जिस तरीके से तय कार्यक्रम था, पहले पीसीसी के दफ्तर पर सारे जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए और उसके बाद वहां से इकट्ठा होकर जो व्यापम चौराहा है जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था वहां पर ये पहुंचे हुए और उसके बाद अब जो है यहां से ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करने में जुटी हुई है, चाहे वह नीट की परीक्षा को लेकर हो, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को लेकर हो, या फिर मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सड़कों पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, दो कहें तो पहलू इसमें नजर आते हैं, एक तो ये कि भाई सरकार को हर हाल में घेरना है, दूसरा ये कि पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी सक्रिय बने रहें। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के नेता जो है वो रिचार्ज रहे। जिस तरीके से विधानसभा में हार मिली, लोकसभा में हार मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है हताश और निराश हो गया था, तो ऐसे में टीम जीतू पटवारी जो है वो लगातार इस काम में जुटी हुई है कि अलग अलग जिलों में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, राजधानी भोपाल में भी प्रदर्शन किया गया, सागर में भी प्रदर्शन हुआ, छतरपुर में हुआ, ग्वालियर में किया, इंदौर में किया, तो अलग अलग जिलों में भी लगातार जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये बताने का किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो जमीन पर बेहद मजबूती के साथ काम कर रही है और दूसरी तरफ सरकार को घेरने का भी कोई मौका जो है वो फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल लगातार सक्रिय है कांग्रेस और ये एक जताने की कोशिश भी यहां पर नजर आ रही है, सरकार को घेरने का प्रयास भी है। शैलेंद्र रहेगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे अगली खबर पर। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, आपको बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुरानी कार्यकारिणी के आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पहले की कार्यकारिणी में लगभग 1000 पदाधिकारी थे जो केवल पद धारण कर घर बैठे रहे और लेकिन अब नई कार्यकारिणी के गठन में केवल उन कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जो वास्तव में पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि जिन कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया है उनके नामों पर विचार किया जा रहा है। परफॉर्मेंस देखते हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है, तो परफॉर्मेंस को हम देखने के बाद सभी हमारे सीनियर लीडर से विचार विमर्श करके हम उसको करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम ये जरूर देख रहे हैं कि कौन काम करने वाले हैं, क्योंकि पूर्व में क्या रहा है कि
कई हजार लोगों की कमेटी बनी हुई थी। हमारा एक संविधान के हिसाब से कमेटी छोटी होनी चाहिए, कमेटी के अंदर जो इफेक्टिव लोग हैं वो आने चाहिए, कमेटी के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरा 24 घंटा दे सकते हैं, फुल टाइम पॉलिटिशियन उनको आने की जरूरत है। तो उनके ऊपर हमारा आंकलन चल रहा है, बात भी कर रहे हैं कितना समय कौन दे सकता है, उसके बाद वो कमेटी आए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए भोपाल से। शैलेंद्र, ठीक बात है, सक्रिय लोगों को ही आपको कमेटी में रखना चाहिए, लेकिन जीतू पटवारी को बहुत समय या कहें चुनाव से पहले जिम्मेदारी मिल गई थी, बहुत लंबे समय तक तब उस निष्क्रिय कमेटी को या निष्क्रिय पदाधिकारियों को क्यों कंटिन्यू किया गया फिर? शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि 6 महीने के आसपास का समय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान मिले हुए हो चुका है, लेकिन अब तक वो अपनी जो टीम है वो उसका चयन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जब जब भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं और जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका एक जो जवाब है वो हमेशा रहता है कि जल्द ही नई टीम होगी, छोटी टीम होगी और मजबूत टीम होगी। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने एक नई बात ये कही है जरूर कि देखिए जो पुरानी टीम थी वो बहुत जम्बो कार्यकारिणी थी और उसमें बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे थे जो जिनको केवल पद तो मिल गया था लेकिन वो सड़कों पर कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे थे, वार्डों में अपने इलाकों में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि पद लेकर जो है वो घर पर बैठ गए थे। इसीलिए इस बार जो टीम बनाई जाएगी उसमें जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो लगातार प्रदर्शन में शामिल होते हैं, बैठकों में शामिल होते हैं, विधानसभा लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने जमीन पर मेहनत की है, ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल, शैलेंद्र लौट रहा हूं मैं आपके पास, अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से प्रवक्ता और नेहा बग्गा जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। अमित शर्मा जी ये बताइए, आप आपके जो प्रभारी हैं वो आपकी ही टीम पर जो पार्टी की पुरानी टीम है उस पर ही सवाल उठा रहे हैं? टीम पर सवाल नहीं उठा रहे जी, वो पार्टी के नए तरीकों को काम करने के और जो लगभग शिकायत आती है कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है जो काम करने वाले हैं कभी कभी नौजवानों को अच्छे लोगों को आगे लाने की हर पार्टी की एक नीति रीति रहती है। तो कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि कम से कम उपाध्यक्ष में बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे, अनुभवी लोगों का रहे, नए नौजवानों को मौका मिले। तो निसंदेह पार्टी उस लाइन पर काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी नौजवान है, हमारे प्रभारी भी नौजवान है और नई पीढ़ी के नए लोगों को अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका देने का हर संगठन का दायित्व है, उसी दायित्व को आगे बढ़ाने का काम हमारे जनरल सेक्रेटरी थोड़ा सा समझाएगा कम शब्दों की भाई इसका क्या मतलब है कि जो पुराने पदाधिकारी थे बहुत सारे निष्क्रिय थे, घर बैठे हुए थे, केवल पद लिए हुए। अमित जी निष्क्रिय हैं तो कहीं ना कहीं एक संगठन का अपने नैतिक दायित्वों का निर्माण हर कार्यकर्ता को करना होगा और मैं समझता हूं कि संगठन के जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में इस तरह का बयान दिया। चलिए ठीक है नेहा बग्गा जी, अब नई टीम के साथ ऊर्जावान टीम के साथ मैदान में होगी कांग्रेस? देखिए कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्होंने स्पष्ट तो कर दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस धरातल से गायब है और हम जानते हैं प्रशांत जी कि आज भी कांग्रेस पार्टी के पास जिलों में 20-20 साल पुराने जो जिलाध्यक्ष बनाए थे वही काबिज हैं। जो लोग घर से निकल नहीं रहे, जो लोग समर्थ नहीं है, जो लोग जनता के बीच में नहीं है और क्या कहने कि पहले तो इन्हें एक ऐसे पीसीसी के अध्यक्ष मिले थे कमलनाथ जी जिन्होंने ना धूल देखी थी, ना धूप देखी थी, ना किसान देखा था, ना गरीब देखा था, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही नहीं थे। तो मुखिया इस प्रकार का हो तो संगठन का आप सोच सकते हैं क्या होगा। और वर्तमान में उनसे भी बढ़ चढ़कर एक पीसीसी अध्यक्ष आए हैं श्रीमान जीतू पटवारी जी जिन्होंने पार्टी को जीतू से हारू बना दिया है। आपने देखा कि लोकसभा में परिणाम किस प्रकार के रहे कांग्रेस पार्टी के और ये वही व्यक्ति है जो कहते हैं कि पार्टी का ही तेल लेने मुझे ध्यान रखना। तो जिस प्रकार का मुखिया होगा कार्यकर्ताओं का आचरण उसी प्रकार से होगा और उसमें तो कॉर्पोरेट कल्चर भी आ गया है। अब तो सैटरडे संडे वीकली ऑफ भी होने लगा है कांग्रेस में, शेड्यूल बदल गया है, जनता ने ऑफ दे दिया है, शेड्यूल बदल गया है, वो बोर्ड हट गया है। लेकिन हाँ ये जरूर कि अब नई टीम के साथ कांग्रेस ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने की कोशिश करे। अब देखना होगा कि सड़कों पर मैदान में कितनी टक्कर बीजेपी को मिलती है। बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी आपका, अमित शर्मा जी आपका भी और शैलेंद्र आपका भी। अगली खबर का रुख करेंगे और बात भिंड की है जहां एसडीआरएफ के 2 जवानों का रेस्क्यू जारी है। ग्वालियर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हुए हैं। आपको बता दें कि कल देहात थाना क्षेत्र में
कचुंगरा गांव के पास कुंवारी नदी में बहे ग्रामीणों को बचाने गई रेस्क्यू टीम के ही दो जवान नाव पलटने से पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। देर शाम चले रेस्क्यू ऑपरेशन को रात के अंधेरे में रोका गया था और आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया है। तो इस बार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो एसडीआरएफ के दो जवानों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल भिंड में एक ग्रामीण को रेस्क्यू करने गए दो एसडीआरएफ के जवान खुद हादसे का शिकार हो गए। खबर रीवा से, जहां अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। लेडी टॉयलेट में घुसकर दो बदमाशों ने छेड़खानी की वारदात अंजाम दी है। टॉयलेट के आसपास कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। एक युवती के साथ देर रात ये छेड़खानी की गई है। हंगामा होते ही दोनों युवक वहां से फरार हो गए। मामला संजय गांधी अस्पताल का बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें रीवा में अस्पताल में सुरक्षा कर्मी की लापरवाही सामने आई है। लेडी टॉयलेट में घुसकर बदमाशों ने छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। और सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रदेश में पहचान रखने वाली सीहोर में फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि फसल में बीमारी होने से सोयाबीन की फसल बांझ हो गई है, जिसके चलते लहलहाती फसल में फूल तक नहीं आया। अब किसान फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करने को मजबूर हैं। वहीं किसानों ने सरकार से फसल खराब होने पर उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही सोयाबीन की फसल के लिए सही भाव देने की भी मांग रखी है। कम से कम इन किसानों को आन के आश्वासन तो दे, बेचारा उनने बहुत पैसा लगा दिया दवा दारू में। तो सीहोर में सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। दरअसल सोयाबीन की खड़ी फसल में भी फूल नहीं आया है और इससे अब जो किसान है वो फसल को नष्ट करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि